नमस्कार बच्चों, आज मैं इंग्लिश ग्रामर लेकर आया हुआ हूँ और मैं इंग्लिश ग्रामर शुरू से मतलब पाठ दसवीं से शुरू करने जा रहा हूँ। इसे देखिए और लाभ उठाइए। मैं पाठ दसवीं से शुरू कर रहा हूँ। पाठ दसवीं क्या है पहले ही लिख लिया हूँ। पाठ दसवीं का परिभाषा होता है, अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द होते हैं उनको वाक्यों में कार्य एवं प्रयोग के आधार पर 8 भागों में बांटा गया है। इनमें से प्रत्येक भाग को पाठ प्रश्न कहते हैं। मैंने अंग्रेजी भाषा में जितने शब्द आप देखते हैं, जितने शब्द होते हैं संसार में, सबको जो है 8 भागों में बांट दिया गया। उसको 8 भागों में बांटा गया है और इनमें से प्रत्येक भाग को पाठ प्रश्न कहते हैं। अब पाठ प्रश्न में कौन कौन है? नाउन है, हिंदी का संज्ञा होगा, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, हर, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। नाउन का मतलब संज्ञा, प्रोनाउन का मतलब सर्वनाम, एडजेक्टिव का मतलब विशेषण, हर का मतलब क्रिया, एडवर्ब का मतलब क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। इसका हिंदी आप लोग देख लीजिएगा। तो ये पाठ प्रशिक्षित हुए, संसार में पूरे जितने शब्द हैं उनको जो है 8 भागों में बांट दिया गया। इसी को इनमें से प्रत्येक भाग को हम लोग पाठ प्रशिक्षित करते हैं। अब हम नाउन आज पढ़ेंगे। नाउन, नाउन उसको हम लोग हिंदी बोलते हैं संज्ञा। इसकी परिभाषा क्या हो, परिभाषा देखिए। किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर, वस्तु, भाव आदि के नाम को नाउन कहते हैं। किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर, वस्तु, भाव आदि के नाम को नाउन कहते हैं। जैसे जैसे हम कहते हैं राम, राम ये क्या व्यक्ति है, ये नाउन हो गया। जैसे स्थान का हम उदाहरण लेते हैं तो पटना, पटना क्या स्थान है, ये नाउन हो गया। जानवर का अगर उदाहरण लेते हैं तो मान लीजिए डॉग, डॉग क्या है, नाउन है। वस्तु का अगर लेते हैं तो मान लीजिए चेयर है, चेयर एक नाउन है। ये नाउन की परिभाषा हुआ। अब नाउन को कितने भागों में बांटा गया है, टाइम्स ऑफ नाउन, टाइम्स ऑफ डी नाउन। नाउन को 5 भागों में बांटा गया है। नाउन को 5 भागों में बांटा गया है। नाउन को 5 भागों में बांटा गया। एक होता है प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। इसको इंग्लिश, इसमें हिंदी बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसकी परिभाषा होती है किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तु के खास नाम को, खास नाम को प्रॉपर नाम कहते हैं। जैसे खास नाम क्या हुआ, जैसे हम कहते हैं राम, राम एक खास नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है इसलिए प्रॉपर नाम हो गया। जैसे हम कहते हैं पटना, पटना एक स्थान है, खास है, इसलिए इसको हम लोग प्रॉपर नाम बोलेंगे। जैसे हम कहते हैं कि जैसे मोती, मोती क्या है, प्रॉपर नाम है, ये कुत्ते का नाम है, कुत्ते का नाम रखा जाता है, ये प्रॉपर नाम है, ये खास नाम है इसलिए प्रॉपर नाम है। इसी तो आप लोग समझ गए कि किसी भी व्यक्ति, स्थान, जानवर आदि के खास नाम को प्रॉपर नाम कहते हैं। दूसरा आता है कॉमन नाम, कॉमन नाउन का मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा। इसका परिभाषा दिया जाता है, इसमें किसी व्यक्ति, जानवर, वस्तु आदि के किसी व्यक्तिगत व्यक्ति विशेष का बोध ना होकर उसकी पूरी जाति का बोध होता है, उसकी पूरी जाति का बोध होता है, उसे हम लोग कॉमन नाउन कहते हैं। और कॉमन नाउन में क्या आएगा, जैसे हम कहते हैं काऊ, गाय। अब गाय कौन है से ये पता चलता है कि संसार की जितनी गाय है, वो रेड हो, ब्लैक हो, ब्लू हो, साहिवाल हो, अनेक तरह के प्रकार की गायें हैं, ये सारे गायों को बोध करा रहा है, ये कॉमन नाउन हो गया। जैसे हम कहते हैं बॉय, अब बॉय मतलब लड़का, और राम, रहीम, श्याम, ये जितने लड़के हैं, लड़कों के नाम है, सबका बोध करा रहा है, इसलिए बॉय क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। जैसे हम कहते हैं कलर, कलर मतलब रंग होता है,
तो कलर का मतलब क्या हो, जैसे रेड ब्लैक ब्लू व्हाइट जितने कलर होते हैं वो प्रॉपर नाम हो गए और उनका एक सम्मिलित जो है ये कलर में आ गया, उसकी पूरी जाति का बोध हो गया, रंगों का पूरी जाति का एक बोध हो गया, ये क्या हो गया आपको कॉमन नाम हो गया। जैसे मैन कहते हैं, मैन आदमी को कहते हैं, मैन मतलब आदमी होता है, तो पूरे आदमी जो जितने संसार के लोग हैं सबका एक समूह है, एक जाति का बोध करा रहा है आदमी का, एक आदमी के जाति का बोध करा रहा है, इसलिए मैन भी एक कॉमन नाम हो गया। उसी तरह आइए अब हम लोग प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन हो गया, उसके बाद हम लोग